नमस्कार दोस्तों, बड़ी सड़क घटना के दौरान इलाके में उस टाइम हड़कंप मच गया जब राजस्थान के दौसा जिले में तेज रफ्तार लोक परिवहन की बस ने सबसे पहले तो श्रद्धालुओं से भरे एक टेम्पो को भिड़ंत कर दिया है और उसके बाद पैदल चल रहे तीन श्रद्धालुओं को भी भिड़ंत कर दिया है। इस घटना के दौरान अब तक कुल 5 श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया गया है और पुलिस के अनुसार आरोपी बस ड्राइवर इस घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मौके पर ही चेक पुकार मच गई थी और देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और भारी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर लंबा जाम की स्थिति बन गई थी, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद दोनों वाहनों को साइड में हटवाया और यातायात को सुचारू करवाया है। यह घटना है जो सुबह 11:30 बजे करौली स्टेट हाईवे पे है और महुआ थाना इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने बताया कि बर्तकी गांव के नजदीक बस ने एक टेम्पो को भिड़ंत किया है और इसी दौरान पास से निकल रहे पद यात्रियों को भी बस ने भिड़ंत कर दिया है। इसी दौरान प्रत्यक्षदर्शी राजेंद्र सिंह ने बताया कि यात्रियों से भरा टेम्पो हिंडौन करौली की तरफ से जा रहा था और बस महुआ की तरफ आ रही थी। महुआ से हिंडौन के भैरव जी की पदयात्रा निकाली जा रही थी और इसी बीच पैदल यात्रियों को बचाने की कोशिश में ही इस बड़ी घटना को अंजाम मिला है। बताया जा रहा है कि इस घटना में अब तक 5 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है, जिनमें पिता पुत्र भी शामिल हैं। इस घटना के बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और बताया जा रहा है कि टेम्पो में सवार सभी लोग केला देवी करौली में दर्शन कर मध्य प्रदेश लौट रहे थे और अधिकतर मृतक हैं जो मध्य प्रदेश के ही बताए जा रहे हैं। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपने राय जरूर दें।